देश का जो संविधान है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये जो काला कानून जो लाया गया है, चाहे CAA हो, चाहे NPR हो या NRC की चर्चा राष्ट्रपति महोदय ने भी की है, गृह मंत्री भारत सरकार ने भी की है और प्रधानमंत्री जी ने भी NRC की चर्चा की, लेकिन बाद में वो पलट गए। हम इतना कहना चाहते हैं कि ये काला कानून है और संविधान विरोधी कानून है और ये देश को तोड़ने वाला कानून है। चूंकि भाई एक एक चीज को हमने 19 के बाद देखा है, सारा डॉक्यूमेंट बना करके सबका भाषण, सबका स्टेटमेंट, सब कुछ पढ़ा है हमने, खूब मोटा डॉक्यूमेंट बनाया। कहिएगा तो हम उस सब डॉक्यूमेंट का कॉपी लेकर के आप लोगों को भी दे दें ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिए लोकसभा विधान राज्यसभा में। आप उसके देखिए चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी साहब, मेंबर्स कौन थे राज्यसभा के, कपिल सिब्बल साहब, हंस राज भारद्वाज जी, मोतीलाल वोरा जी, अंबिका सोनी जी, BP सिंघल जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मैत्रेयन जी, श्री लालू प्रसाद जी, नाम है लोकसभा का। कितना नाम आपको पढ़ करके सुनावे, 15 से लेकर के 44 नंबर तक नाम हम आप बता रहे हैं। खाली एक मिनट को सुन ले, हम दो तीन मिनट है, बात सुविधा देगी। अरे ये सब किसी के खिलाफ बात नहीं है, ये जानकारी है। बैठिए ना, ये इन लोगों ने पारित करके दिया अमेंडमेंट, ये जो कुछ भी था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सर्वसम्मति से लोगों ने दिया, और जब पास हुआ सबसे पहले राज्यसभा में जब आया तो राज्यसभा में दो ही लोग बोले, और कौन बोले उस समय, नेता विरोधी दल जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लोकसभा में जब ये गया राज्यसभा से पास होकर के तो तीन आदमी बोले हैं, उसमें बोले हैं प्रियरंजन दास मुंशी जी, साथ ही श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था NRI को दोहरी नागरिकता की सहूलियत देने की बात हो रही है, वह बिल्कुल ठीक है, इस बिल को पारित कर देना चाहिए।